हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बहुत ही टाइम बाद आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। अभी मैं शावर लेकर बाहर निकली हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग पहले आएगा या फिर इससे पहले जो मैंने अपनी डेंगू के बाद फर्स्ट मिल ली थी वो व्लॉग पहले। तो आई डोंट नो कि कौन सा व्लॉग मैं सबसे पहले लेने वाली हूँ, तो जो भी होगा वो आप लोग देख लोगे, मैं मेंशन कर दूँगी नीचे यहाँ पर। तो जी, बात यह है कि आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में कि मेरी डेंगू की जर्नी कैसी रही। एक्चुअली मैंने बहुत कुछ सहा डेंगू की जर्नी में अपनी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगी हूँ क्योंकि मैं काम बहुत टाइम बाद स्टार्ट कर रही हूँ। इंस्टाग्राम तो मैं कह सकते हैं कि बड़ी ईद के बाद से गायब हूँ इंस्टाग्राम से, क्योंकि उसके बाद से ही जो है कुछ ना कुछ हो ही रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी काम। तो फिर मैंने अब स्टार्ट कर लिया दोबारा से काम आज से, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाती हूँ। तो दिखाना मैंने आपको ये था कि जी मैं इतनी लंबी छुट्टी लेकर आ गई हूँ, इतनी लंबी छुट्टी लेकर आई हूँ कि ये देखें, अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि इसने मकड़ी ने अपना प्रॉपर घर बना लिया हुआ है मेरी रिंग लाइट पर। यार सिर्फ मैंने दो तीन महीने इसको यूज़ नहीं किया तो यार मकड़ी ने अपना घर ही बना लिया। अगर इस ये घर अपना बना लेगी तो मैं कहाँ जाऊँगी यार। खैर मैं इसको साफ़ करती हूँ और इसको साफ़ करके आप लोगों से मिलती हूँ। वैसे एक सच बात बताऊँ तो ये किसी रिमाइंडर से कम नहीं है कि मुझे अब काम स्टार्ट कर देना चाहिए, कि देखो अगर मैं काम नहीं करूँगी ना तो मकड़ी अपना घर बना लेगी। उसने मुझे बता दिया कि मुझे अब काम स्टार्ट करना ही चाहिए, तो इसलिए अब से हम करेंगे अपना काम जितनी भी ताकत होगी, जितना भी होगा, जैसे भी होगा। मैं थोड़ा थोड़ा शूट करूँगी, थोड़ा जब तक मैं डेंगू से रिकवर नहीं करूँगी प्रॉपरली, और मेरे अंदर वैसे ही ताकत नहीं आएगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना वीक हो चुकी हूँ। उसके अलावा जो है एनर्जी मेरी बॉडी में वैसे नहीं रही, तो इसलिए मुझसे अब कोई काम होता नहीं। और आज मोबाइल में इस फ़ोन से इसलिए पकड़ रही हूँ, यार कैमरा में हाथ आ रहा है, इस हाथ से मैं नहीं पकड़ी थी क्योंकि इस हाथ में मेरे ना बस बहुत पेन हो रहा है वीकनेस की वजह से ना, मैं क्योंकि मैं कुछ खाती वगैरह नहीं थी, बुरा हाल है। तो जी स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि मुझे सबसे पहले बैक बोन से पेन स्टार्ट हुई, फिर मुझे शोल्डर तक पेन आई, और शोल्डर से पेन मुझे बढ़ना शुरू हुई, और बढ़ते बढ़ते हुआ ये कि मुझे फीवर हो गया। और मैं कहीं बाहर गई हुई थी तो वहाँ से जब मैं वापस आई तो मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा था, कफ फील हुआ मुझे और फीवर फील हो रहा था, तो इसी तरह मुझे फीवर हो गया। और फीवर जब मुझे हुआ तो फीवर होने के बाद सीन ये हुआ मेरे साथ कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ना ऐसी हो गई कि बस बर्दाश्त से बाहर था सब कुछ, मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा। अब मैं ये सोच के परेशान थी कि मुझे लगा था मेरी जो सिक्स सेंस है ना वो बहुत तेज चली एकदम से, और मुझे लगा कि यार मुझे डेंगू हो चुका। मैं 200% कह सकते हैं आपके, मैं श्योर थी कि यार मुझे डेंगू ही हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग गया था कि मुझे फील आ गया कि यार मुझे डेंगू हो चुका है। फिर ये हुआ कि मैंने अपने आप ही वगैरह से बोला कि यार मुझे लग रहा है कि मुझे डेंगू हो चुका है। वो लोग ये थी कि वो मान ही नहीं रहे थे, फिर मुझे वो डॉक्टर पर लेके गए, जो जिससे मैं हमेशा मेडिसिन अपनी लेती हूँ, उसकी मेडिसिन मुझे बहुत सूट करती हैं, बाकी डॉक्टर्स की नहीं करती मुझे सूट। तो जी अब उसके पास लेकर गए तो उसने जब उस मेरे पास, क्योंकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं चल के भी जा सकूँ डॉक्टर के पास, तो मुझे ना लिटरली सब ने पकड़ पकड़ के तो मुझे लेकर, कम से कम मुझे डॉक्टर के पास पहुंचने में लगे कम से कम आई थिंक 15 या 20 मिनट कह सकते हैं, इतना टाइम मुझे डॉक्टर के पास जाने में लगा था। तो वो भी मुझे पकड़ पकड़ के लेके गए और डॉक्टर ने देखते ही कहा कि कंफर्म डेंगू है। तो उसके बाद फिर यही था कि मेरा टेस्ट हुआ, CBC का टेस्ट करवाया, और उसमें रिपोर्ट मेरी सही आई बिल्कुल। अब रिपोर्ट तो मेरी सही आ चुकी थी, बट क्योंकि मेरा भी फर्स्ट डे था तो वो क्योंकि सिम्टम्स अभी स्टार्ट हुए थे इसलिए मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही आई, लेकिन जो मेरा फीवर था ना वो फीवर मेरा जा रहा था 103 तक और 104 तक। मेरी जो कंडीशन हो रही थी ना वो बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी, क्योंकि 103 और 104 जो फीवर होता है ना वो बहुत ज़्यादा आपको हिला देता है, आपकी हड्डियों को तोड़ देता है, आपके जिस्म में हीट ऐसी पैदा कर देता है बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर जी मैंने
फिर जी उसके बाद जब मैंने अपनी सिस्टर्स को बताया कि मुझे इस तरह फील हो रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी कि मुझे डेंगी है, लेकिन मुझे कंफर्म था कि यार मुझे डेंगी हो चुका है और बहुत बुरी हालत थी मेरी। अब इतनी बुरी हालत में मेरे से ना चला जाता था ना फिरा जाता था, ऊपर से मेरा स्टमक बहुत डिस्टर्ब था, और स्टमक डिस्टर्ब के अलावा मुझे नींद का मसला है क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया लेकिन मुझे नींद नहीं आती है अब बिल्कुल। ये भी इशू था कि मुझे नींद ही नहीं आती थी, इतने सारे प्रॉब्लम्स ना, मतलब कि एक साथ ही डेंगू में एक तो मैं सफ़र कर रही थी, उसके बाद फिर मुझे स्टमक का इशू भी बहुत बुरी तरह से हुआ, मुझे जो मैं पानी तक भी पीती थी तो वो फ़ौरन बाहर आ जाता था। अब जो लोग खाना खा रहे हैं ना तो उनका तो फुल टाइम दिल ख़राब हो जाएगा, लेकिन यार इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मेंशन नहीं करी कि मुझे क्या होता था, लेकिन बस मैं इतना बता रही हूँ जो भी कंज्यूम कर रही थी ना वो फ़ौरन से बाहर, बस ऐसे था। ये हुआ कि मेरी कंडीशन 3 दिन मेरे गुजर गए इसी तरह, और 3 दिन मेरी कंडीशन इतनी सीरियस थी, मेरे बॉडी पेन्स मुझे इस तरह की आई हुई थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया अपने साथ। अपनी हड्डियों को ऐसे लग रहा था जैसे मैंने हथौड़ा लेकर प्रॉपरली तोड़ दिया है, इस तरह की मेरी कंडीशन हो गई। बोल बोल के थक गई हूँ, वैसे भी वीकनेस इतनी हो गया ना डेंगू से, तो खैर मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ, ये बातें बाद में बताऊँगी। तो जी ये हुआ, फिर ये सीन था कि मुझे जब 3 दिन गुजर गया, क्योंकि डॉक्टर्स को मैंने चेक नहीं करवाया, मेडिसिन उठाने जाता तो मैं कैसे जाती डॉक्टर के पास, तो फिर मैं मेडिसन्स मंगवा लेती थी या फिर घर से ही मैं पैनाडोल वगैरह निकालती थी और वो खा लेती थी मैं, तो ये वाला सीन था मेरा क्योंकि मुझसे उठा नहीं जाता था। फिर 3 या 4 दिन के, हाँ 4 दिन के बाद, हाँ मैक्सिमम 4 दिन हो गए थे। जब 4 दिन गुजर चुके थे तो 4 दिन के बाद मुझे लेके गए क्योंकि कंडीशन इतनी सीरियस हो गई थी कि बस बर्दाश्त नहीं थी मेरे अंदर अब, और मुझे लगा कि बस अब मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो हॉस्पिटल जब लेकर गए तो मेरा टेस्ट हुआ था, इंजेक्शंस लगे थे, और उसके अलावा मेरा टेस्ट हुआ तो उसमें डेंगू की रिपोर्ट, बंदा क्या करे सारा का सारा खराब। आई नो के क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी बट अब मैं क्या करूँ, लाइट जा चुकी है, मुझे ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। तो जी उसके बाद ये सीन हुआ था कि मेरी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो उसके बाद फिर सब लोगों को कन्फर्म हो गया जी उसको डेंगू ही है। फिर उसके बाद मैं बहुत ही बुरी कंडीशन में, डेंगू की कंडीशन तो फल्ला मैंने कहाँ नहीं पकड़े हैं, मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी, बहुत बुरी, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। एक नॉर्मल पेशेंट होता है ना कि यार उसको डेंगू हुआ है, यार मेरे साथ जो सीन था वो तो बहुत ही बुरा किस्म का सीन था। मुझे इतनी वॉमिटिंग के जिसकी कोई हद नहीं, मैं पानी भी नहीं पी सकती थी, इतनी बुरी कंडीशन। फिर ये कि बस जैसे कैसे दिन गुजरे, मैं कुछ खाती नहीं थी, कुछ खाया पिया बिल्कुल भी नहीं जाता था, उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी, मेरा वेट बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा वेट लूज हुआ की वजह से, और वीकनेस तो मुझे इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा कि मैं अगर 10-15 मिनट चल भी लूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होती है, और बस कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। फिर जी उसके बाद अभी मैंने रिकवर नहीं किया इतना डेंगू से, और उसके अलावा ये है कि बस ये कह सकते हैं कि डेंगू अब चला गया, बट मेरे अंदर जो सिम्टम्स हैं ना अभी उसके हैं, और उसके अलावा वीकनेस जो है ना, वीकनेस ने मुझे इतना तोड़ा हुआ, मैंने डेंगू के डेज में ग्रीन एप्पल का जूस पिया, उसका तो टेस्ट इतना गंदा होता था, इतना कि मेरा दिल करता था कि ये जूस जो है ना जाके फ्लश कर दूँ और ना कुछ खाऊँ ना कुछ पीऊँ। उस टाइम पे मुझे हर चीज़ से नफ़रत हो गई, खाने की, चाय से नफ़रत, अंडे से नफ़रत, वैसे दूध से तो मुझे बहुत पहले से ही नफ़रत है, नफ़रत वैसे माफ़ करना अल्लाह ताला, ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे सच में दूध से पता नहीं क्यों बहुत इश्यूज़ हैं, मुझसे दूध नहीं पिया जाता, ज़बरदस्ती पीना पड़ता है। और अब ये लोग मुझे कह रहे थे कि कुछ खाओगे कुछ पियोगे तो ही ताकत आएगी तो ही चल फिर सकोगे, लेकिन यार मुझसे कुछ नहीं खाया पिया जा रहा था, इवन कि मेरी खाने पीने पर घर वालों के साथ लड़ाइयाँ भी बहुत हुई इस पूरे सिनेरियो में। तो मेरा ना आप यकीन नहीं करोगे कि शवारमा मेरा
मोस्ट फेवरेट चीज़ है, मोस्ट फेवरेट। तो उस टाइम पे मेरे लिए मेरी सिस्टर शवारमा लेके आई थी, डेली के सेकंड या थर्ड डे होगा आई थिंक। उस टाइम पे मैंने शवारमा भी नहीं खाया। सोच सकते हो आप कि किसी बंदी का फेवरेट है शवारमा, लेकिन वो शवारमा भी नहीं खा रही, क्योंकि उससे उस टाइम पे मुझसे शवारमा भी नहीं खाया गया। मैंने सिर्फ एक बाइट शवारमे के लिए, और वो शवारमा मैंने वापस से पकड़ा लिया कि ये मैं नहीं खा सकती, आप लोग खा लो। और उसके बाद बस यार ये तो खाने पीने पे ना मेरी यार बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई अपने घर वालों के साथ। वो लोग मुझे कहते थे कि यार ये एप्पल जूस पीना है, दूध पीना है, बिस्किट के साथ चाय ले लो, ये वो, और मेरे से नहीं खाया जाता था। तो फिर बहुत बुरी कंडीशन थी कसम से। घर वाले मेरे इतने गुस्से थे ना मुझसे, इतने ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर वो वक्त बहुत मुश्किल था, गुजर गया। अभी बस ये है कि मेरे जो अंदर जो वीकनेस है ना, वो उसने मुझे बहुत बुरी तरह से तोड़ा हुआ है। मैं कुछ काम ज़्यादा नहीं कर सकती तो, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ काम करने की, होप्स हो कि सब बेहतर हो जाए। और मेडिसिन्स का तो पूछो ही मत, वो तो सीन ही बहुत बुरा था, बहुत बुरा सीन था मेडिसिन्स का। बस इतना ही था आज के ब्लॉग में, मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, ऊपर से लाइट चली गई। तो जी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़। एंड वन मोर थिंग जो कि मैं बताना भूल गई थी, वो ये थी कि यार इस बीच में ना मेरी बर्थडे चली गई और 12 रबीउल अव्वल भी गुजर गई। मैंने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कुछ भी सेलिब्रेट कर सकती। मैंने कसम से बिस्तर पे लेट कर ही सारा टाइम गुजार दिया। मेरी सबसे पहले 12 रबीउल अव्वल गुजरी है, देन उसके बाद नेक्स्ट डे ही मेरी बर्थडे थी, वो भी मेरी ऐसे ही गुजर गई। फर्स्ट दिस वॉज माई फर्स्ट बर्थडे जो कि बिल्कुल ऐसे ही गुजर गई, सो के और बिस्तर पे बीमार। नहीं तो मैं हमेशा अपनी बर्थडे अच्छे से कोई ना कोई सेलिब्रेट ज़रूर करता है मेरी बर्थडे। देखो केक तो कटा था मेरी बर्थडे पर, जो बात है सच जो बात है, लेकिन जो वो होता ना कि मतलब मैंने कोई ब्लॉग किया होता, क्योंकि मेरी फर्स्ट इस तरह की बर्थडे, फर्स्ट क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको कुछ टाइम तक बताऊँगी कि मैं ये बार बार फर्स्ट और फर्स्ट फर्स्ट क्यों बोल रही हूँ, और लेकिन उसकी भी एक वजह है, वो मैं आपको कुछ टाइम तक बताऊँगी। खैर जो बात है, मैंने बस केक कट किया, ना कोई ब्लॉग किया ना कोई पिक्चर ली, बस एक छोटी सी वीडियो बनाई। तो ये सीन था जिसकी वजह से मैं बहुत अनहैप्पी भी थी, हैप्पी भी थी। वन साइड मैं हैप्पी बहुत थी और अदर साइड मैं अनहैप्पी थी कि यार मैं कोई ब्लॉग नहीं कर सकी, और मैं 12 रबीउल अव्वल सेलिब्रेट नहीं कर सकी, मैं बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आने वाले सालों में कर लूँगी। मैंने खुद को, अगर कोई चीज़ चली गई ना तो यार कोई बात नहीं, आने वाले सालों में हम कर लेंगे वो चीज़। तो दिल को तसल्ली देनी चाहिए कि यार कोई बात नहीं, आप वो चीज़ आने वाले सालों में कर लोगे, वो इतना कोई इशू नहीं है। तो खैर मैंने खुद को ये समझा के थोड़ा सा कर लिया काम डाउन। बाय। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.